good morning to all of you welcome to online class of social science today we will continue history chapter 7 page number 94 how nomads and mobile people lived nomad pastoralists, sorry, pastoralists moved over long distances with their animals they lived on milk and other pastoral products they also exchanged wool ghee etc with settled agriculturists for grain cloth utensils and other products now come to the page number 94 95 they brought and they bought and sold these goods as they moved from one place to another transporting them on their animals the banjaras were the most important trader nomads their caravans were called tanda Sultan Alauddin Khalji used the Banjaras to transport grain to the city market. Emperor Jahangir wrote in his memories that the Banjaras carried grain on their bullocks from different areas and sold it in towns. They transported food grain for the Mughal army during military campaigns. With a large army, there could be one lakh bullocks carrying grain. Nomadic pastoralist अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे उनका जीवन दूध और जानवरों से मिलने वाले दूसरे प्रोडक्ट्स पर डिपेंड था ये चरवाहे ग्रेन क्लोथ बर्तन और दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए सेटल्ड एग्रीकल्चर से वूल घी जैसी चीजों को एक्सचेंज करते थे एक जगह से घूमते एक जगह से दूसरी जगह घूमते समय चरवाहे इन वस्तुओं का व्यापार भी करते थे बंजारे सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमेट थे उनका कारवा टांडा कहलाता था सुल्तान अलउन खलजी बंजारों का यूज अनाज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए करता था एम्पर जहांगीर ने अपने मेमोरीज में, में लिखा है कि बंजारे अपने बैलों के द्वारा अनाज का व्यापार करते थे वे दूर दूर के एरियाज से अनाज अपने बैलों पर ढोकर लाते थे और शहर के बाजार में बेचते थे मुगल आर्मी के सैन्य अभियानों के समय बंजारे ग्रेन की ढुलाई का, का काम करते थे एक विशाल आर्मी के साथ एक लाख तक बैल होते थे जो अनाज ढोते थे नाउ कम टू पेज नंबर नाइंटी सिक्स मैनी पेस्टोरल ट्राइब्स रियर्ड एंड सोल्ड एनिमल्स सच एज कैटल्स एंड कैटल एंड हॉर्सेस टू द प्रोस्परस पीपुल different castes of petty peddlers also travelled from village to village. they made and sold wares such as ropes, reeds, straw matting and coarse sacks. sometimes, medicant acted as wandering merchants. These were cast of, there were castes of entertainers who performed in different towns and villages for their livelihood. कई चरवाहे जानवर जैसे गाय भैंस और घोड़े पालते थे और उन्हें अमीर लोगों को बेच देते थे फेरी वालों की अलग अलग जातियाँ गाँव में घूमती रहती थी ये लोग रोप्स बांस से बनने वाले प्रोडक्ट्स चटाई और बोरे बनाते थे और बेचते थे कभी कभी भिक्षुक भी वॉन्ड्रिंग मर्चेंट का काम करते थे कुछ एंटरटेनर की जातियाँ थी जो गांव-गांव घूमकर अपनी कला दिखाती थी और पैसे कमाती थी चेंजिंग सोसायटी न्यू कास्ट एंड जैसे जैसे एज द इकोनॉमी एंड द नीड्स ऑफ सोसायटी ग्रू पीपुल विथ न्यू स्किल्स वर रिक्वायर्ड स्मॉलर कास्ट और जातिज इमर्ज विद इन वर्नाज फॉर एग्जाम्पल न्यू कास्ट एपियर्ड अमंग ब्राह्मणास ऑन द अदर हैंड मैनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वर टेकन इन टू कास्ट बेस सोसाइटी एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जातिज स्पेशाइज्ड आर्टिस्सन स्मिथ्स कारपेंटर्स एंड मेसंस वर आल्सो रिकोगनाइज एज सेपरेट जातिज बाय द ब्राह्मणास जातिज राधर देन वर्ना बिकेम द बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी जैसे जैसे इकोनॉमी और समाज की नीड्स बढ़ती गई नई स्किल वाले लोगों की जरूरत पड़ी वर्ण आधारित समाज में छोटी छोटी जातियां उभरने लगी ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आईं दूसरी ओर कई जनजातियों और सोशल ग्रुप्स को कास्ट बेस्ड सोसाइटी में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का उन्हें जाति का स्टेटस दिया गया दे दिया गया स्पेशलाइज आर्टिस जैसे लुहार सुनार कारपेंटर्स और घर बनाने वाले कारीगरों को ब्राह्मणों के द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई जाति समाज को ऑर्गेनाइज करने का आधार बने नाउ कम टू द पेज नंबर अमंग द क्षत्रिया न्यू राजपूत क्लांस बिकेम पावरफुल बाय द इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ सेंचुरीज दे बिलोंग टू डिफरेंट लाइनेजेस सच एज हुन चंदेल्स चालुक्याज एंड अदर सम ऑफ समीस टू हैड बीन ट्राइब्स अर्लियर Many of these clans came to be regarded as Rajputs. They gradually replaced the older rulers, especially in agricultural areas. Here, a developed society was emerging and rulers used their wealth to create powerful states. The rise of Rajput clans to the position of rulers set an example for the tribal people to follow. Gradually, with the support of the Brahmanas, many tribes became part of the caste system. But only the leading tribal families could join the ruling class. A large majority joined the lower jatis of caste society. On the other hand, many dominant tribes of Punjab, Sindh, and the northwest frontier had adopted Islam quite early. They continued to reject the caste system. The unequal social, the unequal social order prescribed by orthodox Hinduism was not widely accepted in these areas. इलेवंथ और ट्वेल्थ सेंचुरीज तक क्षत्रियों के बीच नए राजपूत क्लान पावरफुल हो गए थे ये अलग अलग वंश जैसे हून चंदेल आदि के मिले जुले लोग थे इनमें से कई पहले पहले कई ट्राइब्स थे जिन्हें बाद में राजपूत मान लिया गया था धीरे धीरे उन्होंने पुराने राजाओं की जगह ले ली रूलर्स ने अपनी वेल्थ का यूज़ पावरफुल स्टेट्स के निर्माण में किया रूलर के रूप में राजपूत क्लान्स के उदय का ट्राइबल्स ने अनुसरण किया ब्राह्मणों के सपोर्ट से कई ट्राइब्स जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गए लेकिन कुछ लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज ही रूलिंग क्लास में शामिल हो पाई पंजाब सिंध और नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर की कई डोमिनेंट ट्राइब्स ने काफी पहले ही इस्लाम धर्म अपना लिया था ये ट्राइब्स कास्ट सिस्टम को नहीं मानते थे हिंदू धर्म की असमान जाति व्यवस्था इन एरियाज में स्वीकार नहीं की गई द इमरजेंस ऑफ स्टेट्स इज क्लोज क्लोजली रिलेटेड टू सोशल चेंज among tribal people two examples of this important part of our history are described below राज्यों की उत्पत्ति ट्राइबल लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है हमारी हिस्ट्री के इस इंपॉर्टेंट पार्ट के दो दो एग्जाम्पल्स हम आगे पढ़ेंगे एक क्लोजर लुक द गोंड द गोंड लिव्ड इन अ वास्ट फॉरेस्टेड रीजन कॉल्ड गोंडवाना Or country inhabited by Gonds, they prescribed shifting cultivation. The large Gond tribe was further divided into many smaller clans. Each clan had its own raja or roy. About the time that the power of the Delhi sultans was declining, a few large Gond kingdoms were beginning to dominate the smaller Gond chiefs. The Akbar Nama, a history of Akbar, serene, मेंशन द गोंड किंगडम ऑफ गढ़कटंगा हैड दैट हैड सेवेंटी थाउजेंड विलेजेस गोंड गोंडवाना नामक विशाल जंगलों में रहते थे गोंडवाना का अर्थ है ऐसी जगह जहां गोंड रहते हों गोंड शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे गोंड ट्राइब कई छोटे छोटे क्लांस में बटी हुई थी प्रत्येक क्लान का एक राजा या रॉय होता था जिस समय दिल्ली सुल्तानों की पावर कम हो रही थी कई बड़े गोंड राज्य छोटे छोटे गोंड सरदारों पर हावी हो रहे थे अकबरनामा में लिखा हुआ है कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में सत्तर हजार गांव थे द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दीज किंगडम्स वॉज बिकमिंग सेंट्रलाइज द किंगडम वॉज डिवाइडेड इन टू नाउ कम टू देज नंबर नाइंटी एट गढ़ ईच गढ़ वॉज कंट्रोल्ड बाय अ पर्टिकुलर गोंड क्लान दिस वॉज फर्दर डिड इंट यूनिट एटी फोर विलेजेस द चौरासी वॉज सब डिवाइडेड इंटू बारहोत विचर मेड अप ऑफ ट्वेल्व इन किंगडम्स की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेंट्रलाइज हो रही थी किंगडम गढ़ों में डिवाइड थे प्रत्येक गढ़ किसी खास गोंड क्लान के कंट्रोल में था गढ़ चौरासी गांव की यूनिट्स में डिवाइडेड था जिसे चौरासी कहा जाता था चौरासी का सब डिवीज़न बारहोत में था एक बारहोत में बारह गांव शामिल थे